डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये कॉलम की ड्राइंग है और इसी ड्राइंग की हेल्प से बना हुआ ये कॉलम है। आप देख सकते हैं ये कॉलम जो है इसी ड्राइंग की हेल्प से बना हुआ है। और सिविल इंजीनियर, सिविल कॉन्ट्रेक्टर, सिविल सुपरवाइजर इस वीडियो को हल्के में ना लें। आप बिल्डिंग के किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके सामने इसी तरह की एक कॉलम की ड्राइंग रख दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इस कॉलम की ड्राइंग को पढ़ के दिखाओ। यदि आप पढ़ नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ से जॉब भी चली जाए, और जो पढ़ पाएगा कॉलम की ड्राइंग वही जॉब ले जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको बिल्डिंग सेक्टर की जॉब मिल गई, आप साइट पर पहुंच गए, तो आपका जो सीनियर है आपको इसी तरह की ड्राइंग पकड़ा देगा और बोलेगा ये कॉलम की ड्राइंग है, इस कॉलम की ड्राइंग के हिसाब से जो भी कॉलम बने हैं उनको चेक करके हमें बताओ क्या वो सही है या नहीं। उस समय यदि आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आएगा तो बेइज्जती तो होनी तय है, बेइज्जती जो होगी सो होगी। और इसके साथ साथ हो सकता है आपकी सैलरी भी कम कर दे या फिर आपको जॉब से निकाल दे। सो भाई इंजीनियर्स, आपका फायदा इसी में है कि आप इस ड्राइंग को अभी पढ़ना सीख लो, और ड्राइंग पढ़ना सीख गए ना तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि हमें ड्राइंग पढ़ना आता है, अब हम ड्राइंग देखकर किसी भी कॉलम को चेक कर सकते हैं सही है या नहीं, ड्राइंग देखकर हम किसी भी कॉलम की एस्टीमेट कॉस्टिंग कर सकते हैं, कितना स्टील लगेगा, कितना कंक्रीट लगेगी, कितना सीमेंट सेंट एग्रीगेट लगेगा, ये सब कॉन्फिडेंट बढ़ जाते हैं यदि आपको ड्राइंग पढ़ना आता है तो। सो चलिए पढ़ना सीखते हैं, उम्मीद है वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और इस इम्पॉर्टेंट नॉलेज को लेकर जाएंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ कॉलम, जो हमें ये बता रहा है कि इस ड्राइंग में कॉलम से रिलेटेड डिटेल दी गई है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है कॉलम नंबर, सो आप देख सकते हैं C1, C2, C3, C4। C का मतलब कॉलम हुआ, 1 का मतलब नंबर हुआ, यानी कि जिस बिल्डिंग के लिए ये ड्राइंग बनाई गई है उसमें टोटल 1, 2, 3, 4 फोर टाइप के कॉलम हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा है कॉलम साइज, C1 कॉलम का जो साइज है 350 × 600 mm, कॉलम में जो भी वैल्यू दी जाती है mm में दी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो वैल्यू दी जाती है उसका यूनिट क्या होता है, तो mm होता है। ठीक है, इसमें जितनी भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है सब mm है। सो चलिए हम इस कॉलम को इस ड्राइंग के माध्यम से एग्जाम्पल लेते हुए पढ़ लेते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये जो कॉलम है ड्राइंग में C3 नेम का जो कॉलम है इसी की इन्फॉर्मेशन पर बनाया गया है। ठीक है, सो चलिए हम इसको एग्जाम्पल लेते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं C3 का जो साइज है 300 × 300 mm है। ठीक है, तो इस कॉलम का जो साइज होगा यानी कि बनने के बाद कंक्रीट लगने के बाद 300 × 300 mm होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल यहां पे दी गई है, यानी कि कॉलम में जो स्टील बार लगेगी उसकी इंफॉर्मेशन रेनफोर्समेंट डिटेल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार। अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बार है क्या। सो आप कॉलम में देख सकते हैं यहां पे जो मेन बार है यानी कि 1, 2, 3, 4 जो लेंथ की डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लगी हैं, इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल बार बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल बार 1, 2, 3, 4 है। ठीक, सो चलिए अब ड्राइंग देखते हैं। सो आप देख सकते हैं C3 कॉलम में 4, 16 लिखा है। 4 का मतलब हुआ नंबर ऑफ बार, यानी कि कॉलम में जो बार लगेंगी वो 4 बार लगेंगी, और 16 टैग का मतलब 16 mm की लगेंगी। सो एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस कॉलम में 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 बार लगी हैं, और इन 4 बार का जो साइज है 16 mm है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं कि सेट टाई। अब बात करते हैं कि टाई है क्या। सो कॉलम में आप देख सकते हैं ये जो रिंग लगी है इसी को हम टाई बोलते हैं। इस रिंग की जिसको हम टाई बोलते हैं इसकी डिटेल ड्राइंग में दी रहती है। सो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। सो आप देख सकते हैं कि 1075 cc दिया गया है। 10 का मतलब 10 mm की स्टील से टाई बनेगी, और 75 का मतलब हुआ कि एक टाई से दूसरे टाई के बीच जो दूरी होगी वो 75 mm होगी। सो चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं ये जो टाई है इस टाई की जो स्टील थिकनेस होगी वो 10 mm की होगी,
और एक टाई से आप देख सकते हैं, एक टाई यहां पे लगी है, एक टाई यहां पे लगी है, एक टाई से दूसरे टाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी 75 mm होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम के जोन बी में जो टाई स्टीरअप रिंग लगेगी उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। सो अभी के लिए बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।